करी, जो कहानी वो हमने देखी थी क्या, मॉलिक्यूलर मास की और फॉर्मूला यूनिट, सॉरी और रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब सुनो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। जब हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास की बात करेंगे, जब हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, फॉर्मूला यूनिट मास की, तो समझो अभी तक अगर मैं कहूँ मुझे C6H12O6 का फॉर्मूला मास निकालना है, और मैंने जो बता दिया कि कार्बन एक कितने का होता है 12 ग्राम का, हाइड्रोजन कितना होता है 1 ग्राम का, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम का, तो क्या तुम मुझे C6H12O6 का मास निकाल दोगे क्या? हाँ, कैसे? कार्बन कितने का है 12 का, और कार्बन है कितने मेरे पास 6, हाइड्रोजन कितना है 1 का, और हाइड्रोजन है कितने पास मेरे पास 12, ऑक्सीजन कितने का है 16, और मेरे पास है कितने 6। आ रही है बात समझ में? तो जब इन सब का कैलकुलेशन बिठाओगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 180 ग्राम कितना आ जाएगा, 180 ग्राम। अब सुनो, लेकिन ये जो सब्सटेंस है ना बेटा, इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? और इस तरह के मॉलिक्यूल में आयंस नहीं बनते, इस तरह के मॉलिक्यूल में आयंस नहीं बनते। तो जब लाइफ में, जब क्योंकि वन होता है, जब लाइफ में ऐसे कंपाउंड आएंगे जैसे कि NaCl, जैसे कि, ठीक है ना, तो NaCl जो है बेटा वो ब्रेक डाउन होता है काय में, Na प्लस और Cl माइनस। आ रही बात समझ में? यानी कि ये किसका बना हुआ है, तो हमने बोला ये तो आयंस का बना हुआ है, ये तो किसका बना हुआ है, ये तो आयंस का बना है। जब कोई चीज आयंस की बनी होगी और उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सेम तरीके से, तरीका चेंज नहीं है, एक यानी कितने का होता है 23 का, एक क्लोरीन कितने का होता है 35.5 का, तो वो इसका मास आएगा 58.5। ये क्या आ जाएगा इसका मास, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फॉर्मूला यूनिट मास। तो ठीक है ना, आयंस में चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, मासेस के चार्ज नहीं होते पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्योंकि मासेस के चार्ज नहीं होते कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ हमें निकालना मास ही है सेम तरीके से, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास। इसका नाम क्या बन जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास। आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर? तो जब हम लोग फॉर्मूला यूनिट को मास को मानेंगे, तो हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन वन फॉर्मूला यूनिट, इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। फर्क क्या होगा, ये जो कंपाउंड होंगे, ये जो कंपाउंड होंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, आयंस, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, आयंस। आई बात समझ में? ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड आर आयंस, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड आर आयंस। ठीक है, हम लोग आयन क्या होती है, चार्ज स्पीशीज होती है। चार्ज मतलब क्या, या तो इसपे प्लस का चार्ज होगा या तो इसपे माइनस का चार्ज होगा। ठीक है ना, तो ये या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या तो नेगेटिवली चार्ज होगी, और ये कब बनेगी, जब या तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन देगा। जो देता है वो अच्छा होता है, सुनो, जो देता है वो अच्छा होता है, वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। जो लेता है वो बुरा होता है, वो नेगेटिव होता है। जो लेता है वो अच्छा होता है और वो पॉजिटिव होता है, सॉरी, जो देता है वो अच्छा होता है और पॉजिटिव होता है, जो लेता है वो बुरा होता है और वो नेगेटिव होता है। तो सुन, शांति रखते को बोलते रिकॉर्डिंग के पीछे मत बोलना, कैटायन क्या होगा, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, इट इज अ
positively charged ion formed when an atom loses electron. ठीक है, तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा जा रख, तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन, यानी कि क्या? केटायन। अगर हम लोग एनायन की बात करें तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म्ड व्हेन एन एटम gains electron, when an atom gains electron. Okay, ion ka radical. So what are radicals? Polyatomic ions, ions that are made up of more than one atom are known as polyatomic ions, are known as polyatomic ions. कहानी क्या बेटा? बड़ी सिंपल सी। जब आपको मैंने केटायन का एग्जाम्पल देने के लिए बोला तो माही चीख चीख के उठी, बोली मैं बताती हूँ क्या Na plus, ठीक है ना? फिर मैंने कहा यार एनायन का बता दो, तो आयुषी बोली मैं बताऊंगी Cl minus, ठीक है ना? फिर जब मैंने पॉलीएटॉमिक आयन का पूछा तो झलक बोली दीदी वेरी सिंपल NH4 plus SO4 2 minus OH minus, मतलब क्या बेटा? यहाँ पर एक सिंगल एटम था क्या? हाँ, यहाँ पर भी क्या था? एक सिंगल एटम था क्या? हाँ। क्या यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और चार हाइड्रोजन है? हाँ। क्या यहाँ पे एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है? हाँ। क्या यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है? हाँ। तो जब एक से ज्यादा एटम वाला आयन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी आया समझ में?